नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुख कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। ओवैसी के मन से पाकिस्तान जिंदाबाद और पठान की धमकी पर बीजेपी का पलटवार। मन से नापाक बोल का मतलब, ओवैसी के मन में खोट। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजी गई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली लड़की। देशद्रोह समेत कई मामलों में केस दर्ज। ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की अमूल्या के घर पर तोड़फोड़ हुई। कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में आरोपी के गांव में कुछ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की अमूल्या पर दिया बयान। कहा, पाक समर्थक नारेबाजी पर कार्रवाई करेगी पुलिस और अमूल्या को इसका सबक मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाली लड़की पर बड़ा खुलासा। पुराने वीडियो में आरोपी का दावा, वो सिर्फ मुखौटा, बहुत बड़े ग्रुप का है बैकअप। देश भर में चल रहे प्रदर्शनों पर बोले केरल के राज्यपाल, अपनी हर बात मानने की जिद करना भी आतंकवाद। वारिस पठान के जहरीले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, अगर पूर्वजों ने सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया होता तो आज नहीं आती ये नौबत। गिरिराज सिंह को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा, क्या नीतीश कुमार गिरिराज से सहमत है? मांझी ने सीएम को चुनौती दी है, हिम्मत है तो गिरिराज को मंत्रिमंडल से बाहर करवाएं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वारिस पठान पर साधा निशाना। कहा, ओवैसी और वारिस पठान जैसे लोग पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ पहले भड़काऊ बयान और अब सफाई। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, मैंने 100 करोड़ को नहीं दी, 15 करोड़ लोगों को दी धमकी। बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने एआईएमआईएम नेता वारिस पठान को 15 करोड़ मुसलमानों वाले बयान को लेकर लगाई फटकार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कहा, वारिस पठान की मानसिकता मुस्लिम लीग वाली। वारिस पठान के जहरीले बोल पर भड़की शिवसेना। 100 करोड़ लोगों को धमकी पर कहा, हम भी जवाब देने के लिए तैयार। वार्ताकारों से बातचीत पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों में मतभेद। कुछ अलग से कुछ सबके सामने बातचीत पर अड़े। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को मनाने फिर पहुंचे वार्ताकार संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन की बातचीत जारी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद। उद्धव ठाकरे ने कहा, पीएम से सीए, एनआरसी और एनपीआर पर हुई चर्चा, पूरे देश में लागू नहीं होगा एनआरसी। हेल्थ वर्कर्स को नसबंदी वाले फरमान को कमलनाथ सरकार ने लिया वापस। परिवार नियोजन कार्यक्रम में कर्मचारियों के लिए 5 से 10 पुरुषों की नसबंदी कराना अनिवार्य किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले मध्य प्रदेश के सीएम अपने बयान पर कायम। कमलनाथ बोले, वायुसेना नहीं करती फेक काम, लेकिन जानकारी तो दे। दिल्ली में शरद यादव से मिले जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी। बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा, आरजेडी की दूरी से उठे सवाल। जात पात पर तेजस्वी के बयान पर सियासी बवाल। एनडीए नेताओं ने दिलाई लालू काल की याद, कांग्रेस ने तेजस्वी का दिया साथ। सामुदायिक वन अधिकार कानून पर रांची में 2 दिवसीय परिचर्चा। सीएम हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने पर हुआ मंथन। 3 राज्यों में बीजेपी विधायक दुल्लू महतो की तलाश। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई 7 टीम, पत्नी ने लगाया साजिश का आरोप। 24 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष के नाम का होगा ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी हो सकती है चर्चा। ओमान में फंसे मजदूरों को छुड़ाने की कवायद में जुटे सीएम हेमंत सोरेन। जी बिहार झारखंड पर खबर देखने के बाद सीएम ने लिया संज्ञान। विदेश मंत्री से की मदद की अपील। जी बिहार झारखंड की खबर का फिर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। गिरिडीह स्कूल की हालत पर जताई चिंता। जिला प्रशासन को दिए बेहतरी के आदेश। मंदिर मॉडल पर श्रीराम जन्मभूमि के सदस्यों की बैठक। 125 फीट से बढ़ाकर 160 फीट की जा सकती है मंदिर की ऊंचाई। अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मंजूर। 24 फरवरी की बैठक में हो सकता है ट्रस्ट बनाने का ऐलान। बांका में छात्र की मौत से गुस्से में लोग, परिजनों ने लगाए स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप। पुलिस ने दिया इंसाफ का भरोसा। मोतिहारी में दिल दहला देने वाली घटना। मां समेत 2 बच्चों की हत्या। महिला के शरीर पर चोट के निशान, बच्चों की गला दबाकर हत्या की आशंका। वैशाली में सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने थाने में हंगामा किया, पथराव किया। थाना परिसर में खड़ी कई गाड़ियों में शीशे तोड़े। मोतिहारी में मैट्रिक के प्रैक्टिकल एग्जाम में पैसे देकर नंबर देने का वीडियो वायरल। छात्र प्रैक्टिकल की कॉपी के साथ 200 रुपए दे रहे हैं ताकि उनको अच्छे नंबर मिल सके। हाजीपुर में युवक की पीट पीट कर हत्या। चोरी के आरोप में युवक की हत्या। गौरव थाना की वाजिदपुर कोरी गांव की घटना। शव को कब्जे में लेकर पुलिस से जांच में जुटी।
बेगूसराय में बेमियादी हड़ताल पर बैठे नियोजित शिक्षकों ने महाशिवरात्रि के मौके पर मनोकामना कावड़ यात्रा निकाली। इस दौरान 48 शिक्षकों ने 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली, भगवान से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। यूपी के सोनभद्र में करीब 3,650 टन सोने का खजाना मिलने का अनुमान, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में दावा। विक्रम में बीती रात डांस के दौरान मारपीट हो गई, इसमें कई शख्स घायल हो गए। इस दौरान बारातियों का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना नौबतपुर थाना क्षेत्र के धोबिया कालापुर गांव की। सीवान में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना पचरुखी प्रखंड के नसरुद्दीनपुर गांव की। सहरसा में बेखौफ अज्ञात चोरों ने जेडीयू नेता के घर को बनाया निशाना, लाखों के सामान पर किया हाथ साफ, पुलिस को दी सीधी चुनौती। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, आगे की कार्रवाई में जुटी। भोजपुर जिले में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक अधेड़ शख्स की जान ले ली, 11,000 वोल्ट की तार गिरने से हुआ हादसा। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भील डुमरा गांव का, परिजनों ने दर्ज कराया मामला। सीवान में पुलिस ने शराब की तस्करी का किया भंडाफोड़, तस्कर हरियाणा से गन्ने के ट्रक में शराब छिपाकर ले जा रहा था बिहार, जब्त की गई शराब की कीमत 75 लाख रूपये। रांची में शादी का झांसा देकर 2 लड़कियों से यौन शोषण का आरोप, जैगुआर के पूर्व सिपाही पर लगा आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बोकारो के चंदन क्यारी में कुछ अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल। गढ़वा जीटीओ ने देर रात्रि कार्रवाई कर शहर के रंका चौक से लगभग 3 दर्जन से अधिक गाड़ियों को जब्त किया, जब्त सभी गाड़ियों को टाउन हॉल के मैदान और सदर थाने में रखा गया। गाड़ियों के पकड़े जाने के बाद ट्रक चालकों में काफी आक्रोश देखा गया, ट्रक चालकों ने कहा हम लोगों की गाड़ियों को जबरन पकड़ा गया। रामगढ़ पुलिस ने छापेमारी कर झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर स्थित बड़लंगा थाना इलाके में 3 एकड़ भूमि में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। कार्रवाई में रामगढ़ के एसपी समेत 3 थानों की पुलिस टीम मौजूद थी। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 9 लोग घायल, 2 शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। बागसाइट लदे वाहन और बोलेरो के बीच टक्कर। सिमडेगा पुलिस ने रांची से शटर कोका उर्फ राजा को किया गिरफ्तार, सिमडेगा थाने के सामने शामिल थे आरोपी, 3 अपराधी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम में मनोहरपुर के चर्चित गणेश मंदिर में बीती रात चोरी हो गई, चोरों ने मंदिर में लगी दान पेटी से रुपए चुरा लिए, सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में पुलिस। लातेहार में लगातार जारी अवैध तरीके से कोयले की खदाई, लाखों रुपए के राजस्व का लग रहा है चूना, प्रशासन की टीम ने अवैध खदान को किया सीज। बोकारो में मैट्रिक परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी की परीक्षा देने का मामला आया सामने, फर्जी परीक्षार्थी को मौके से पकड़ा गया, जिला प्रशासन ने अब तक परीक्षकों को हस्ताक्षर के ठीक से मिलान के आदेश दिए। पाकुड़ में चाइल्ड लाइन और जीआरपी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 2 बच्चों को छुड़ाया, पाकुड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दोनों बच्चों को तस्करों से मुक्त कराया गया। राज्य के 24 जिलों से 148 बच्चे लापता, वर्तमान में वो कहां है, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों की कायराना करतूत, पुलिया निर्माण में लगे कर्मचारी की गाड़ियों में लगाई आग, इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के औरैया में देबियापुर में स्कूली बच्चे की बेरहमी से पिटाई, परिजनों ने स्कूली बच्चे के खिलाफ बच्चों की बेरहमी से पिटाई की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एटीएम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने से लाखों रुपए के नोट जलकर हुए खाक। मध्य प्रदेश के भिंड के गौरी सरोवर में डूबी बेकाबू कार हादसे में 3 लोगों की मौत, गोताखोरों ने निकाले शव, वन खंडेश्वर मंदिर के पास हुई घटना। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत, सत्संग से लौट रहे थे सभी लोग। पटना में पुराना सचिवालय में अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, पार्किंग निर्माण के लिए काटे गए सैकड़ों पेड़ काटने को लेकर उठ रहे हैं सवाल। बांका जिले का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिलाधिकारी एसपी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन, स्थापना दिवस पर एक किताब का भी किया गया विमोचन। जहानाबाद में डीएम ने दर्धा नदी पर बने छोटे बड़े पुलियों का जमीनी स्तर पर अवलोकन किया, इस दौरान उन्होंने सभी जर्जर पुल पुलिया का फिर से निर्माण कराने की बात कही। पटना के ज्ञान भवन में लगाया जा रहा महिला उद्योग मेला, 21 से 24 फरवरी तक चलेगा मेला। पटना के सहकारिता महासम्मेलन को लेकर बोले बिस्कोमान के एमडी सुनील कुमार सिंह, कहा 8,000 ज्यादा प्रतिनिधि महासम्मेलन में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश से भी सम्मेलन में आने की अपील की गई। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट के समीप मुख्य सड़क पर मां गंगा द्वार का उद्घाटन किया, इस मौके पर अनंत ओझा ने कहा साहिबगंज को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए किया गया निर्माण। साहिबगंज के मिर्जा चौकी धर्मशाला में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, 1,000 से भी ज्यादा खदान मजदूरों का स्वास्थ्य जांच किया गया, साथ ही उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गई। हजारीबाग के सरकारी पशु चिकित्सालय में पेट लवर्स डे मनाया गया, डॉग शो का उद्घाटन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने किया, इस मौके पर विभिन्न प्रजाति के खूबसूरत कुत्ते अपने मालिकों के साथ पहुंचे।
सीज फायर की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने अब तक एक ही के मारे जाने की बात कबूली। दिल्ली में अर्थ कल्चरल फेस्टिवल की शुरुआत, राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। अर्थ फेस्टिवल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम में वेद पर चर्चा होगी, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति पर चर्चा होगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 808वीं उर्स पर प्रधानमंत्री ने भेजी चादर, अजमेर में दरगाह पर चढ़ाई जाएगी पीएम की चादर। जून 2020 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान, आतंकी संगठनों पर कड़े एक्शन की चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के कार्यक्रम में बदलाव, अहमदाबाद में 22 की जगह 9 किलोमीटर का होगा रोड शो, बेटी इवांका और दामाद भी रहेंगे मौजूद। भारत यात्रा पर आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया का 25 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद ट्रंप और मेलानिया राजघाट जाकर बापू की समाधि पर देंगे श्रद्धांजलि। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन का होगा इस्तेमाल, होती रहेगी पानी की बौछार। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख हुई तय, 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर खुलेंगे कपाट, 26 अप्रैल से चलकर 28 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी बाबा की डोली। महाराष्ट्र के मालेगांव में अल्पसंख्यक कॉलेज में राष्ट्रगान लागू, राज्य सरकार ने हाल ही के सभी कॉलेजों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया, छात्र और प्रिंसिपल ने खुशी जताते हुए राष्ट्रगान से राष्ट्रभक्ति का निर्माण होता है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर फिटनेस से मिल सकता है फ्री प्लेटफॉर्म टिकट, 3 मिनट में 30 दंड बैठक से मिलेगा मुफ्त टिकट, फिटनेस को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे का प्रयोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की कोरोना वायरस की ताजा जानकारी, चीन में 2,120 से ज्यादा लोगों की मौत, 74,675 ज्यादा मरीज, 26 देशों में 1,076 मामले आए सामने। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुंबई में गुरुवार को निकाला गया कैंडल मार्च, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से रेडियो क्लब तक निकाले गए कैंडल मार्च में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, चीन नेपाल मूल के लोग हुए शामिल। कोरोना को लेकर सरकार गंभीर, रक्सौल पहुंची 2 सदस्यीय केंद्रीय मेडिकल टीम, टीम ने पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रक्सौल पहुंचे और अस्पताल का मुआयना किया। देशभर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व, सुबह से ही शिव के मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। देशभर में शिवरात्रि की धूम, देवघर, दुमका, रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़े शिवभक्त, भगवान भोले की निकली बारात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी महाशिवरात्रि की बधाई, लिखा आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आए। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिव बारात में शामिल हुए, मुख्यमंत्री ने बाबा भोले की पूजा अर्चना करने के बाद बारात में शामिल होकर भक्तों के साथ शिव बारात का आनंद लिया। शिवरात्रि पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार के तमाम जिलों में शिवयात्रा निकाली जा रही है, पटना में भी गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई, जगह जगह बारात का स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार के पटना में शिव मंदिरों में लग रहे हैं भोले की जय के जयकारे, सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए लगी है शिव भक्तों की कतारें। मधुबनी के मंगरौनी गांव में एकादश रुद्र मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालु का तांता लगा, महाशिवरात्रि में नेपाल और पड़ोसी जिले के भक्त यहां पूजा करने आते हैं। शिव भक्ति में लीन हुए लालू के बड़े लाल, शिवरात्रि के मौके पर निराले अंदाज में नजर आए तेज प्रताप यादव, गेरुआ वस्त्र पहनकर किया रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि के अवसर पर जहानाबाद शहर में शिवजी की बारात निकाली गई, तमाम मोहल्ले से आकर्षक झांकियों के साथ भक्तगण शामिल हुए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। घाटशिला आसपास के क्षेत्रों में भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जा रही महाशिवरात्रि, सभी छोटे बड़े शिवालयों को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया। मुंगेर में महाशिवरात्रि सांस्कृतिक महोत्सव समिति, बाबा मनकेश्वर नाथ मंदिर बेकापुर की ओर से महादेव की बारात निकाली गई, इस यात्रा में परमेश्वर नाथ शिव मंदिर कृष्णापुरी से 100 से ज्यादा झांकी गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के मौके पर पीतेश्वर नाथ मंदिर में किया जलाभिषेक, सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में महाशिवरात्रि के धूम, श्रद्धालुओं ने शिवरात्रि के मौके पर की पूजा, हवन और भंडारा। शिरडी के साई बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा का आयोजन, भक्तों के लिए 16,515 किलो साबूदाने की बनाई गई खिचड़ी प्रसाद। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए देर रात ही खोल दिए गए दरवाजे, भस्म आरती में उमड़े भक्त, लगातार 43 घंटे तक होंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी के कोतवाल बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगा श्रद्धालुओं का तांता,
भक्त बाबा के जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक में जुटे हुए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में लगा आस्था का मेला, भक्त कर रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन। कर्नाटक के कलबुर्गी में महाशिवरात्रि के मौके पर 25 फीट लंबे शिवलिंग का किया गया श्रृंगार। स्थानीय उपज के करीब 300 किलो मटर से दानों से सजाए गए थे भोलेनाथ। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज महाशिवरात्रि का त्यौहार उत्साह परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें। महाशिवरात्रि के मौके पर पंजाब के गुरदासपुर में मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हरियाणा के पंचकुला हिसार में मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए लगी है शिव भक्तों की भीड़।